टिकने बेटे ऐसा है कि इंक्रीजिंग टिकने तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो स्टडी लेके बैठो, मैं भी करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट का 12.3 है, इंटरेस्ट का 12.3 देखो, अब यहाँ क्या दे रखे हैं, CH3CHO है, एक आपका क्या है CH3CH2OH है, दूसरा देखो यहाँ पर क्या है CH3OCH3 है, और नेक्स्ट आपका है हाइड्रोकार्बन है जो कि है CH3CH2 और CH3। हम मान लो इसको कंपाउंड ए ले लेते हैं, दिस इज कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड डी है। हमें क्या करना है, इसको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे, यहाँ पर स्टेप देखिए, बोला कि आपको सारा समझाया गया, फिर भी अगर देख लोगे, यही क्वेश्चन आपको बार बार देखना है। देखो तो यहाँ पर क्या बेटे, एल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। फिर देखो उसके बाद एल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद ए, ईथर फिर आ जाएगा सी, और सबसे लिस्ट किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का होगा। क्लियर है भाई सबको, बोलिए बोलो बेटे। यस सर। ठीक है नेक्स्ट बोलो भाई, और बताइए। सर अगर एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए तो उसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एल्डिहाइड और कीटोन में, आप एल्डिहाइड का लेकर के चलोगे क्योंकि कीटोन के अंदर बल्कि ग्रुप होगा, ठीक है। कीटोन के अंदर क्या होगा, बल्कि ग्रुप ओके होगा, सर। क्लियर है। हाँ और बोलिए बेटे, डाउट डाउट पूछिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट मीटिंग होगी हमारी 35 से 40 मिनट की, सिर्फ एल्डिहाइड की होगी, फिर नेक्स्ट वाले में हम आ जाएंगे माइन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन बोलिए नेक्स्ट क्या है। सर इंटेक्स का 12.4। इंटेक्स का 12.4, इंटेक्स 12.4। हाँ देखो ठीक है, इथेनॉल, देखो इथेनॉल कैसे लोगों, यहाँ पर आप ऐसी स्ट्रक्चर ड्रा करिए, देखो दिस इज इथेनॉल, ये हमारा हो गया इथेनॉल हो गया ये। दूसरा क्या है प्रोपेनॉल, क्या लिखोगे यहाँ पर CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आपका, देखो प्रोपेनॉल हो गया ये। नेक्स्ट आपका प्रोपेनोन है, दिस इज प्रोपेनोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और नेक्स्ट आपका ब्यूटेनोन है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। हमें किस में अरेंज करना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या बेटे, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास जाकर के ज्वाइंट होगा। अब कार्बन के अंदर जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम मान लो लेके चलते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, और ये मान लो फॉर एग्जाम्पल डी है ये, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वो होगा आपका डी, क्योंकि डी में क्या है सीओ के अराउंड दो एल्काइल ग्रुप हैं, जिसमें एक आपका इथाइल है दूसरा मिथाइल है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट डी, फिर सी, फिर बी, और सबसे फास्ट कौन सा होगा, ए होगा। क्लियर है भाई, और बोलिए। नेक्स्ट बोलो बच्चों बोलो, यही सब क्वेश्चन आने हैं इसी पैटर्न पर। हालांकि आपको इसका सेकंड पार्ट बता दो, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट क्या है, देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करो C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड हो गया ये, जिससे बेंजल्डिहाइड, ये आपका इंटेक्स 12.4 का सेकंड पार्ट है ये बेंजल्डिहाइड। पैरा टॉल्युवेल्डिहाइड, देखो सी डबल लिखोगे यहाँ पर, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये पैरा टॉल्युवेल्डिहाइड हो गया, जिससे पैरा टॉल, पैरा पर क्या लिखोगे यहाँ पर CH3। नेक्स्ट आपका पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या गई पैरा पर नाइट्रो है, दिस इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और फिर एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या बच्चों, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3, देखो इस टाइप से एसिटोफिनोन है ये। देखो अब यहाँ पर दो चीज़ आप देखोगे, एक कि जितना बल्कि ग्रुप है, और दूसरा क्या कहते हैं कि उस सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड उस सी कार्बन के ऊपर कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। देखो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, देखो बेंजीन तो सब में सेम है इस टाइप से, अब यहाँ पर हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चार्ज को क्या करेगा डिस्पर्स करेगा, ये क्या करेगा चार्ज को विड्रॉ करेगा। यहाँ देखो ये हमारा क्या डायरेक्ट विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे लिए क्या चलते हैं ए बी सी डी,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे फास्ट जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा वो कहाँ जाएगा भाई? न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा सबसे फास्ट? सी पर, क्योंकि वहां पर देखो, वहां पर इस कार्बन के अराउंड क्या है, बल्कनेस भी कम है और बाकी उस पर चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है। उसका फिर किस पर जाएगा भाई? फिर आपका जाएगा ए पर, फिर किस पर जाएगा ये? फिर जाएगा बी पर, और डी पर सबसे स्लो होगा क्योंकि डी पर जो बिना मिथाइल ग्रुप है तो उस चार्ज को क्या कर रहा है? डिस्पर्स कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो भाई, और बताइए जल्दी बोलो बेटे, फास्ट बोलिए। इंटेक्स में और कोई डाउट किसी को भाई? देखो इसमें इंटेक्स में जो एग्जांपल 12.3 दिया गया ना, 12.5, इसमें पांच छह कन्वर्जन दे रखे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इनकेस डाउट होता है तो वेडनेसडे आप लोग एक लंबी का रखा जाएगा, चार मतलब अराउंड 3-4 घंटे की, वो टाइम मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन के डाउट डिस्कस कर लो, फिर भी कुछ रहता है फिर हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, और बोलिए डाउट जल्दी बोलो फास्ट। सर 12.5 में जो फोर्थ पार्ट है एक बार वो बता दूं। 12.5 इंडेक्स का? यस सर। इंडेक्स 12.5 का फोर्थ पार्ट देखो यहाँ पर। देखो बेटे ऐसा है कि यहाँ पर क्या है, वही कहानी है, ये हमारा क्या है, ये हम उसके साथ सेक्शन कराया जा रहा है यहाँ पर। देखो ये देखिए 12.5 में ये देखो क्या है, ये कंपाउंड है आपका, देखो इस टाइप से, ये दिस इज एसिटोफिनोन है, ये हमारा एसिटोफिनोन है। बाकी क्या है पर देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको H2N, और फिर क्या है इसके बाद CH2CH3, दिस इज CH2 और CH3। उस केस में क्या होगा यहाँ पर देखो, ये जो ये है यहाँ पर देखो H2, यहाँ से H2 निकलेगा, ही H2 निकल जाएगा तो बनेगा क्या यहाँ पर देखो, इस टाइप से सिंपल बन जाएगा C double bond O, सॉरी C double bond O नहीं बल्कि C double bond O तो हट गया हमारा, यहाँ क्या होगा C, और ये हो जाएगा CH3, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर N, क्या आ जाएगा ये CH2 और CH3, स्टेप आ जाएगा ये। ठीक है? और बोलिए बेटे, और बोलो बच्चों, एग्जाम्पल 12.5 का फोर्थ पार्ट। एग्जाम्पल 12.5 फाइव का फोर्थ पार्ट। ठीक है? देखो ये बेटे ना आपको याद करना है, देखो ये साइक्लोहेक्सीन ये है, ये कौन पूछ रहा है बेटे, क्या नाम आपका? एरम। हाँ देखो साइक्लोहेक्सीन है ना, हम यहाँ पर डालेंगे केमेनोफोर, देखो ध्यान से, केमेनोफोर और H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। क्या करेगा ये वो काम करेगा जहां पर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके वहां वो लगा देगा, देखो इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड है यहाँ ब्रेक कर देगा, यहाँ क्या करेगा ये, यहाँ ब्रेक कर देगा। ठीक है? तो ब्रेक करने के बाद देखो ऐसे हो जाएगा उस केस में, ब्रेक होने के बाद देखो ये बन जाइए क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन समझा दो एक बार। क्रॉस कौन सा, आल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में देखो क्या करोगे यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, क्रॉस एल्डोल में देखो इस टाइप से बेटे, ये तो ना देखो क्रॉस एल्डोल में, मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये मान लो इथेनॉल है, हम लिख चलते हैं क्या प्रोपेनॉल, देखो यहाँ पे क्या ये HCHO और क्या गया ये CH3, तो दूसरे का अल्फा जाके यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट होगा, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा CH3 CHOH CH CHO और क्या ये CH3, फिर बाद में देखो यहाँ पे क्या ये OH, ये OH और यहाँ का ये वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, जैसे आप करते हो एल्डाल वैसे में करना क्रॉस एल्डाल, ये क्या बन जाएगा CH double bond C, ये क्या है CHO और ये CH3। हमने इसमें क्या है, हमने क्या कि इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, फिर अगले केस में क्या करोगे, प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल, फिर बाद में इथेनॉल प्लस इथेनॉल एंड फाइनली प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, हमें चार प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है? क्लियर? कौन पूछा था बेटी ये? हाँ सारा बेटे क्लियर है? यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ जी लगा सर। दोगे OH माइनस या डायलूट NaOH या डायलूट KOH, भाई ऐसे पहले हमने क्या किया इथेनॉल फिर प्रोपेनॉल, तो सेकंड में क्या करेंगे प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल, देखो ये बन गया, फिर एक बार करेंगे हम इथेनॉल प्लस इथेनॉल, फिर यूज करेंगे प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। ठीक है? ओके सर। और बोलो भाई बढ़िया, प्रैक्टिस करना ओके नहीं, क्योंकि फिर बाद में नहीं कि लास्ट दिन में फिर पूछो क्रॉस डाल क्या होता है, ये चारों प्रोडक्ट प्रैक्टिस करके मेरे को ला करके फिर एक बार दिखा देना अगर कोई डाउट होगा तो। क्लियर है कि नहीं?
ओके सर, हाँ ठीक है। और बोलो भाई, और बताइए भाई, एल्डिहाइड कीटोन के डाउट पूछिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए काम कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट बोलो, और कोई डाउट किसी को भाई? सर 12.5 का फोर्थ पार्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 12.5 का बेटे, वही तो बताया गया था, फोर्थ पार्ट है ये। क्या? अच्छा ये कह रहे हो 4-मिथाइल एसिटोफिनोन। देखो यहाँ पर ये क्या बेटे, एसिटोफिनोन है ये, 4-मिथाइल, दिस इज 4-मिथाइल एसिटोफिनोन। हमें क्या बनाना है बेटे, देखो ऐसा, सुनो मेरी बात, आपको बताया गया था ये बनाना हमें, बेंजीन 1,4-डायोइक एसिड ही बनाना है ना। कौन पूछा बेटे, बोलो बेटे कौन पूछा, पूछ रहा है ये इरम। इरम बेटे ऐसा है, अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर मान लो एक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, या उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम यूज करेंगे KMnO4 और KOH, KMnO4 KOH, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हम यहाँ क्या, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे KMnO4 KOH और फिर बाद में H+। ध्यान दो, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 KOH इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा भाई, उस बेंजीन के साथ जो सी है उसके साथ अगर एक भी एच है या उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है तो उस सबको किसमें चेंज कर देगा, ये एसिड में, इसमें किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। क्लियर है? यस और बोलो भाई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो 12.5 का फोर्थ पार्ट ये पूछ सकते हैं, और बाकी क्या कहते हैं कि आप लोग जरा थोड़ा सा इन्हीं की प्रैक्टिस करिए बेटे, ठीक है। और बोलो भाई, और कोई डाउट? सर और एक एक्सरसाइज का 12.19। एक्सरसाइज, अच्छा उदय मैं आ रहा हूँ वहां तक, वहां तक पहुंच रहा हूँ। पहले आप बताइए बेटे, और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इन टेक्स में कोई डाउट नहीं, एग्जाम्पल आप लोग कर लोगे। देखो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा गया, ध्यान दो आप लोग सब लोग, एग्जाम्पल नंबर ये मतलब ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं ना 12 पॉइंट क्या नाम है, एक वो भी वीडियो डालूंगा, क्या नाम है, जो सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन जो अगर अलग अलग स्कूल के, वही वीडियो डालू, उसको आप लोग देखना कि कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसमें एग्जाम्पल में देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल 12.4 सब लोग देख लो। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया भाई, 12.4 बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 12.4 देखो क्या पूछा गया, छोटा क्वेश्चन है, किस माल का फॉर्मूला क्या है, C8H8O। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट टू 2,4-DNP। अब 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, मींस इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, क्लियर है। एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग, मींस एडो फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब क्या, देखो इसके अंदर कार्बन और एच का रेशियो कितना है, अराउंड 1:1, तो इसकी एक इसके अंदर एक बेंजीन रिंग तो होगा, बाकी एडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इसके साथ एक क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो, क्या होगा ये, CH3 होगा। अब मान लो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, C7H8O। बाकी और भी दे रहे हैं यहाँ पर, इट नादर रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट नॉर फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस फेलिंग को ये रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब सर्टनली क्या कीटोन है ये, इट सर्टनली कीटोन, ठीक है। और कह रहे कि ऑन विगरेस ऑक्सीडेशन इट गिव्स C7H6O2। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका एडो फॉर्म टेस्ट दो, इसका टॉलरेंस टेस्ट लिख करके लिखो नो रिएक्शन, फिर यहाँ लिखोगे क्या इसके बाद 2,4-DNP लिखे, ये तीनों ऑप्शन लिखने के बाद फिर करोगे कंपाउंड ए इज एसिटोफिनोन। भाई सबको क्लियर है कि नहीं, रिएक्शन लिख लोगे ये, इस कार्डो फॉर्म टेस्ट ऐसे इससे तो कुछ टाइप से I2+NaOH, आपको बताया गया था 33-34, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिर्फ मेन प्रोडक्ट आडो फॉर्म आ गया। दूसरा बेटे देखो क्या पर, दूसरा क्या कह रहे हैं, अनविग्रस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने पर क्या, किसके साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यहाँ पर, CrO3, CrO3 क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज CO3 टू COOH, क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन पूछे थे आइडेंटिफाई कंपाउंड ए। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? सर इंडेक्स का 12.8, इंडेक्स का 12.8 12.8, देखो इधर इंडेक्स 12.8 देखिए आप लोग, भाई बाकी वीडियो डाली गई है उसको भी देखो तुम लोग, यार तुम लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो,
वही तो, वही काम तो वहां भी कराया गया, सारा कराया गया उसके अंदर, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। उसको देखो बेटे आप लोग ध्यान दो, ठीक है चलो मैं करा दे रहा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 12.8 क्या है देखो, 12.8 देखिए भाई यहां पर क्या है, देखो एक दिया गया है। अरे कौन बार बार आ जा रहा है भाई इसी में, देखो एक है हमारा CH3COOH है, CH3COOH है, दूसरा क्या है CH2FCOOH। देखो ध्यान से यहां पर एक F है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है भाई। फिर देखो यहां पर दूसरा देखें, यहां पर CH2FCOOH, और फिर देखें क्या CH2ClCOH, दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन फ्लोरिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तीसरा देखो फिर वहां पर क्या CH2F, फिर क्या CH2COH, क्या नाम है इसका 1, 2, 3, 4 फ्लोरोब्यूटेनिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ क्या रखें, फिर ये देखो इसमें दूसरा देखे हैं CH3CHF CH2COH, देखो दोनों में फ्लोरीन है लेकिन यहाँ फ्लोरीन दूर है, यहाँ फ्लोरीन क्या है CH के नजदीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। और तीसरे में देखो क्या रखें CF3, ये क्या है CF3, फिर यहाँ पर क्या लगाया गया ये बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा ट्राई फ्लोरोबेंजोइक एसिड, और दूसरे किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये बन गया आपका COOH, और यहाँ क्या लगाया गया दिस इज CH3 4 मिथाइल। तो इसके साथ देखो इस कंपाउंड के साथ जो दूसरा वाला है इसके साथ क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, ये देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है। ऐसे पूछ सकते हैं वन मार्क्स से, क्लियर है भाई, और बताइए। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में बेटे आप इसका मैं पूरा लेक्चर डाल रखा हूँ, और कोई डाउट बताइए, डाउट हो तो बोलो। सर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल की नेमिंग सर, मतलब वो मतलब इथाइल एल्डोल, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, ये कहाँ, ये कौन पूछ रहा, कौन बोला बोला बेटे सक्षम सर, मैं सक्षम। हाँ देखो बेटे ऐसा इथाइल एल्डोल का मतलब ऐसा कुछ थोड़ी, आप पूछना क्या चाहते हो सर, जैसे आपने नोटबुक में लिखवाई है ना हमें रिएक्शंस, उसके अंदर आपने लिख रखा है क्या, एक मिनट मैं देख के, हाँ देख के बताता हूँ। तो बेटे कोई दूसरा क्वेश्चन बोलो बेटे, बेटे दूसरा क्वेश्चन बोलिए जल्दी। श्रेया अंश इरम सायरा बाकी जितने बच्चे, बेटे क्वेश्चन पूछिए डाउट हो तो। इसमें जितनी नेमिंग रिएक्शन से ध्यान दो, जितनी नेमिंग रिएक्शन से हर बच्चे को सारा याद होना चाहिए, ठीक है तो वो क्लियर है। आदित्य आस्था आंचल अंश दिव्या दुबे, दिव्या बेटे कोई डाउट नहीं है, खुशी इरम बोलो भाई। देखो ये आपको यहाँ पर इसमें कैनिजारो क्लिमेंसन एल्डोल क्रॉस एल्डोल, ठीक है HBZ आर्डोफार्म टॉलेंस टेस्ट फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये सारा याद होना चाहिए। इसमें से 3 रिएक्शन है जो डिस्टिंग्विश पर आएंगी बिल्कुल लैंग्वेज के साथ। अगर आपको रिएक्शन बाय चांस नहीं याद है डिस्टिंग्विश में तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू राइट रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बोलो बेटे, और कोई भाई, यार तुम लोग डाउट कुछ है ही नहीं, या वेट कर रहे हो कि लंबी क्लास का। निहार का ये बेटे, निहार का मानव मनीष रिश्का बेटे को डाउट, तनिष्क कोई डाउट नहीं सर, 12.19 ठीक है, तनिष्क है ये सक्षम 12.19 बेटे देखो 12.19। हालांकि ये कम चांस है क्योंकि देखो इतने शॉर्ट पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, मैं बोलोगे सर ऐसा कि आपने तो बताया नहीं कि, देखो कराया भी गया वैसे आप लोग को उसमें क्या नाम है जब कराया गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करोगे यहाँ पर, ये लोगों के परसेंटेज कितना दिया गया परसेंटेज का, यहाँ पर 69 पता रट जाना यार 69.77 है, 11.63 है, बताओ बेटे इसका कितना ऑक्सीजन का 100 में से माइनस करिए, इसका एटॉम फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, एटॉमिक वेट कितना भाई 12 है, इसका 1 है 16 है, ये कितना है 16 है, ठीक है। फिर लिखो उसके बाद, फिर लिखोगे यहाँ पर
एटॉमिक वेट रेशियो कितना जाएगा ये? फाइव पॉइंट एट करके करीब हो जाएगा, 11.63 हो जाएगा ये। ये कितना गया बेटे बताओ, ऑप्शन का कितना गया? जल्दी बोलिए या मैं मोबाइल यूज करूँ, यार तुम लोग कर ही नहीं रहे। देखिए कितना है, 100 माइनस 69.6, ठीक है 18.6, ठीक है 18.6 आ गया ये, 18.6। ये कितना आ जाएगा, 1.16। अब इसका तुम निकालते हैं ना सिंपलेस्ट रेशियो, क्या निकाले मैं लिखता है सिंपलेस्ट रेशियो, क्या हो जाएगा 5.8 बाई 1.16, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये 10 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला C5H10O। देखो उसका फिर क्या लिखोगे, इम्पेरिकल फार्मूला मास, ये क्या हो जाएगा अभी 86 हो जाएगा, 5 × 12 प्लस 10 × 1 प्लस कितना 16। फिर हम निकालते हैं एन, एन कितना होता है यहाँ पर, मालिकुलर मास बाई इम्पेरिकल फार्मूला मास, ये कितना हो जाएगा बेटे, 86/86, क्लियर 86/86 कितना आ गया ये 1। इसका मतलब कि कंपाउंड के अंदर C5H10O का सिर्फ एक ही मोल है ये, ठीक है। आप उसका फिर देखिए आप क्या करोगे, हमने यहाँ से क्या निकाला, इम्पेरिकल फार्मूला उसका निकाली और मालिकुलर फार्मूला निकाली है, मालिकुलर फार्मूला क्या भाई क्या गया, C5H10O आ गया ये, उसका मालिकुलर फार्मूला आ गया। हमें अब क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट डजंट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, इट डजंट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, इसका मतलब क्या भाई, एल्डिहाइड तो है नहीं, दिस इज नॉट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं है ये। अब क्या हो सकता है अभी फिर नेक्स्ट देखो, बट इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्डिहाइड नहीं उसका मतलब कीटोन है ये, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ये सी ओ होगा होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी मिथाइलेटेड कीटोन। कितने कार्बन यूज हो गए, दो, बाकी बचे कितने, CH2 और क्या हो गया ये CH3, मीन्स इसका फॉर्मूला का क्या हो जाएगा ये पेंटेन टू, जिसे पेंटेन टू ओन है ये, जिसे पेंटेन टू ओन। अब इसका सारा आइडोफॉर्म टेस्ट, NHSO3, बाइसल्फाइड टेस्ट, और फिर कह रहे कि विग्रस ऑक्सीडेशन पर क्या दे रहा है, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, तब इसका कराओगे ऑक्सीडेशन किसके साथ, CrO3 के साथ, ठीक है। वो उसमें क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक सॉरी प्रोपेनोइक एंड इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये आप लिख लोगे, इसको हो जाएगा रिएक्शन, या लिखवा दूं रिएक्शन, ये हो जाएगा भाई। तो आपको सब, हाँ सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखवाएगा उसमें, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। और बोलो भाई कोई डाउट बताइए, 12.18 का फर्स्ट पार्ट, 12.18 का फर्स्ट पार्ट, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन बट 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डजन, ठीक है ये ना। देखो तो उसका रीजन क्या है, साइक्लोहेक्सेन जो होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन के अंदर साइक्लोहेक्सेनोन क्या भी, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, ध्यान दो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और ये क्या 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, देखो दिस इज 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, साइक्लोहेक्सेनोन में देखो किसी कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय 3-methyl ग्रुप, क्लियर है कि नहीं ये, और यहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो जैसे हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCN के साथ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से ये फॉर्म करेगा साइनोहाइड्रिन, देखो इस टाइप से यहाँ क्या बन जाएगा ये OH, और ये क्या आ जाएगा ये CN, सिंपल ठीक है। हाइड्रोक्सी वन हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेटाइल बन जाएगा ये, और यहाँ पर रिएक्शन करोगे किसके साथ, HCN के साथ, तो नो रिएक्शन। तो क्या लिखोगे इसको, कि इन 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय 3-methyl ग्रुप, क्लियर है भाई। और बोलिए, 5 मिनट और टाइम है, बोलो एल्डिहाइड कीटोन के लिए, फिर हम दोबारा लिंक भेज, उसी लिंक पे ज्वाइन करोगे सेकंड टाइम MI लेकर के, बोलो जल्दी बोलो बेटे। सर 12.17 का 10th पार्ट, 12.17 का 10th पार्ट, 10th पार्ट, 10th पार्ट क्या भाई, ध्यान दो 10th पार्ट है यहाँ पर, देखिए 10th पार्ट क्या है ये, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये
ये मैंने पेपर में भी दिया था वैसे, तो क्या डबल बॉन्ड CH2 है ये, हमें क्या बनाना है भाई, तो ये बनाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल्डिहाइड। हम पहले किससे कराएंगे रिएक्शन यहाँ पर, B2S6, ये क्या होता भाई, B2S6 और H2O2, तो होगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उससे देखो ये कंपाउंड बन जाएगा, ये रिएक्शन कराने के बाद देखो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा क्या CHO, ये सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर, मतलब बेंजीन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन ही होगा, ठीक है, बेंजीन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। देखो इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा पहली। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन क्या करता भाई, बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, फिर यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, यहाँ डाल दोगे PCC, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा, ये आप यहाँ यूज करोगे। तो देखो आपको ये करना सिंपल कि इस कंपाउंड पर पहले क्या करोगे, देखो रिएक्शन एक बार में भी कर सकते हो आप, पहले कराओगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन रिएक्शन, फिर बाद में क्या करोगे उसका PCC के साथ क्या ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो एक बार फिर दोबारा मैं करा दे रहा हूँ, इधर देखिए इस टाइप से, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है डबल बॉन्ड CH2, क्या बनाना हमें, क्या बनाना है CHO। हम फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट जो हमारा होगा देखो, फर्स्ट है B2S6 और ये H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सेकंड क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो सेकंड आ जाएगा आपका, सेकंड कर देंगे यहाँ पे क्या PCC, ये लिखोगे इस टाइप से, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोलिए, और कोई डाउट भाई, बाकी सारे देखो आपको जो वीडियोस दिए गए हैं आप उनको बार बार देखो, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें कराई गई हैं। इन केस कुछ डाउट होता है तो आप उसको अलग से भी डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कल बेटे ध्यान दो, कल टेस्ट है 3 से 4.5 डेढ़ घंटे का फुल लेंथ पेपर है कल, हर बच्चे को प्रेजेंट होना है, और वेडनेसडे मैं कम से कम 3-4 घंटे की क्लास दे दूंगा, जिसमें आप लोगों का पूरा फिजिकल और बाकी जो डी ब्लॉक के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं वेडनेसडे डिस्कस कर दूंगा आपको एक फोटो कॉपी दे करके, ठीक है। और बोलो भाई कोई डाउट बताइए, दिव्या बेटे कोई डाउट सर, 12.11 12.11 देखो 12.11 बेटे कराया गया है क्वेश्चन, देखो 12.11 क्या भाई, C6 12.11 में है C8H16O2, देखो ध्यान दो, ऐसा बेटे ये कंपाउंड हमारा क्या है, इट मे बी एल्डिहाइड, ये क्या हो सकता है, या तो एसिड होगा या तो क्या होगा उस केस में, इट मे बी आइदर एसिड और एस्टर। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड ए जो है, ध्यान दो इसको मैं करा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है वैसे, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, जो कंपाउंड है ये C8H16O2, दिस कंपाउंड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, लेकिन कह रहे हैं कंपाउंड ए जो है इसका हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो कंपाउंड बी और कंपाउंड सी मिल रहा है, कंपाउंड बी हमारा क्या है, कंपाउंड बी जो है एसिड है ये COOH, कंपाउंड सी क्या आपका एल्कोहल है, और एक चीज और कह रहे हैं यहाँ पर कि कंपाउंड बी जो है, कंपाउंड बी कैन ऑब्टेन बाई ऑक्सीडेशन ऑफ सी, इसका मतलब क्या कि बी और सी में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा, और फिर कह रहे हैं कि कंपाउंड सी के डिहाइड्रेशन से क्या मिल रहा है अभी, CH3 CH2 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 क्या मिल रहा है भाई, ब्यूटीन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड सी हमारा ब्यूटेनॉल है, कंपाउंड बी क्या ब्यूटेनोइक एसिड है, और कंपाउंड ए क्या ब्यूटाइल ब्यूटनोएट है, कंपाउंड ए ब्यूटाइल ब्यूटनोएट, ठीक है। तो फिर देखो इस टाइप से हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर, उसका ब्यूटाइल ब्यूटनोएट क्या होगा भाई, देखो दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटनोएट, ये हो गया हमारा CH3 CH2 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 यहाँ पर क्या है CH2 CH2 CH2, और ये दिस इज कंपाउंड ए हमारा ब्यूटाइल ब्यूटनोएट हो गया, इट ऑन हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं, क्या हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर क्या बन रहा है CH3 CH2 CH2 CH2,
COOH एसिड प्लस CH3 CH2 CH2 CH2OH बन गया। ये क्या बन गया, कंपाउंड बी एसिड है, कंपाउंड सी क्या आपका एल्कोहल है। इस कंपाउंड सी के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एसिड, ऑक्साइजिंग एजेंट क्या यूज करोगे ये, और फिर इसका हम करा देंगे डिहाइड्रेशन कॉन्केस टू सुफोर के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड ये बन गया आपका ब्यूटीन। तो क्या लिखना आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंडिकेट्स दैट इट इज एलिफैटिक कंपाउंड, कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बी एंड सी, बी इज एसिड एंड सी इज एल्कोहल, हेंस कंपाउंड ए मे बी एस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ सी गिव्स बी, इट मीन्स बी एंड सी कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन, डिहाइड्रेशन ऑफ सी गिव्स डी ब्यूटीन मीन्स सी इज ब्यूटेनॉल, डी इज ब्यूटोनिक एसिड एंड ए इज ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। क्लियर है बेटे, और बोलो भाई, 2 मिनट और टाइम है, जल्दी बोलिए और। सो सर इथेनॉल अगर हम ऐड करते हैं किसी भी कन्वर्जन में तो उसका क्या रोल होता है? इथेनॉल यस सर। किस कन्वर्जन में? तो मैंने काफी सारे सैंपल पेपर्स देखे थे, उसमें जैसे एक्स वाई जेड निकालना होता है ना, तो उसमें इथेनॉल रिएजेंट दे रखा है। नहीं नहीं देखो ऐसा है कि इथेनॉल ऐड, तो इथेनॉल हमारा जो एल्कोक्साइड है देता है, ठीक है, तो एल्कोक्साइड हमारे क्या होता है डिहाइड्रेट मतलब इलिमिनेशन करेगा वो। अब डिपेंड करता है कि किस कन्वर्जन में है, आप कन्वर्जन वही फॉलो करो जो आपको करवाया गया है वो सबसे बेस्ट है। एक एक दो दो स्टेप कन्वर्जन मैंने करवा रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो में बैठे, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को क्या कहते हैं कि फोटो खींच के भेज सकते हो या पूछो कि जैसे कौन सा कन्वर्जन है, ठीक है। हाँ और बोलो भाई, और कोई डाउट किसी को एलिहाइड कीटोन में? बेटे निहारिका अभी इसके बाद ना दूसरा लिंक हम भेजेंगे, दूसरा लिंक ज्वाइन करोगे आप लोग इमीडिएटली 2 मिनट के बाद, ठीक है। तो उसमें आप वो मेरे को बता देना कौन सा कन्वर्जन, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ बेटे ठीक है, आप लोग फिर ज्वाइन करो विद इन 2 मिनट्स एमआईएन के लिए, एमआईएन का एनसीईआरटी और वो लेकर के आप लोग बैठोगे। देखो इसके कन्वर्जन में डाल रखा हूँ साइट पे, उसको आप आराम से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं।